नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत जबरन सोने की चेन छीनकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, मानकापुर पुलिस ने चोरों द्वारा किए गए 6 अपराधों का भी पर्दाफाश किया है और चोरी का कुल 12,000 रुपए का माल जब्त किया है। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत वादी कलावती यशवंत शेंडे ने थाने में शिकायत की थी कि वो वेलकम सोसाइटी के सार्वजनिक सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। उनके पीछे दोपहिया वाहन पर आए दो अज्ञात लोगों ने उनके गले से जबरन सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। मानकापुर पुलिस ने इस तरह के विवाद को लेकर इस अपराध में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम कुणाल अजय इंगले और उस्मान खान अरोड़ा बताया जा रहा है। आरोपियों द्वारा किए गए नागपुर शहर के मनकापुर 2, कलमना में 1, गिट्टी खदान में 1, धंतोली में 1, सीताबर्डी में 1, ऐसे कुल 6 अपराधों का पर्दाफाश किया है। मानकापुर पुलिस ने कुल 12,000 रुपए का चोरी का माल जब्त किया है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। पोलीस स्टेशन मानकापुर हद्दी मध्य गुना घड़ला तपासना डीबी पथकाला एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक आणि फुटेज वरून आणि माहितीच्या आधारे आरोपी जो आहे एक आम्ही अटक केला। त्याचं नाव आहे आरोपी कुणाल अजय इंगडे, याचं वय 19 वर्ष आहे। हा राहणार कामगार नगर उर्दू शाळेच्या मागे कपिल नगरच्या हद्दीमधून राहणार आहे आणि याच्यामध्ये आणखी सुद्धा याचे दोन साथीदार लकी आणि उस्मान, या दोन साथीदाराच्या मदतीने त्यांनी शहराच्या वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत गुन्हे केल्याचे त्यांनी कबुली दिली आहे। त्याच्यावरून 6 गुन्हे पोलीस स्टेशन मानकापूरचे 2, गिट्टी गजांचा 1, धंतोलीचा 1, सीताबर्डीचा 1 आणि कडमनाचा 1 असे 6 गुन्ह्याची कबुली त्यांनी दिलेली आतापर्यंत। संगमत करून मॅम जिथे जिथे गुन्हा केला आहे मॅम कोणी सोनाला विकला आहे का, सोनाचा सहभाग आहे का, काय सांगता? सध्या तरी आता एक आरोपी आमच्या ताब्यात आहे, त्याच्याकडून तेवढी माहिती मिळाली नाही। जो उस्मान नावाचा आरोपी आहे त्यांनी हे सगळे जे मुद्देमाल आहे त्याची विल्हेवाट लावल्याचं सांगत आहे। तर आम्ही उस्मानला सध्या त्याचा शोध घेत आहे, त्याला सुद्धा अटक करण्याची प्रयत्न करतो।